फ्लैट नंबर 420 है। हाँ जी। मुझे मिस मल्होत्रा ने भेजा है फ्लैट देखने के लिए। बहन की टकी सारी। What the fuck you saying? Not you, not you. आइए देख लीजिए आप। ओके थैंक यू। तो ये छोटा सा फ्लैट है और वहाँ टॉयलेट है, वहाँ किचन है, आप देख लो। कैसा लगा फ्लैट? हाँ फ्लैट ठीक है, मतलब मुझे तो अकेले ही रहना है तो उसके हिसाब से तो ठीक है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम कुछ और लोगी? जो मुझे चाहिए यार तुम वो दे ही नहीं पाओगी। ये लो बैठो ना। फाइन हैव इट हैव इट। थैंक यू। तो कब से आ रही हो तुम यहाँ? Most probably next week. Next week. हाँ, because so मैं फिर packing start कर देती हूँ। हाँ वो तो करनी पड़ेगी because मैं next week तक shift कर लूँगी। Yeah, unfortunately yes. तुम लेखक हो क्या? लेखक? I mean writer. तुम writer हो? I'm a poet. Okay. क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ जरूर। तुम्हें समझ आएगा? आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। वाओ सो अमेजिंग। ये बहुत अच्छा है सच में यार, मतलब ऑल्दो मुझे समझ नहीं आया बट ये सच में काफ़ी अच्छा है और आई थिंक अगर मैं इसे टाइम निकाल के कभी पढ़ूंगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। घंटा कुछ अच्छा है यार, पेट तक नहीं भरता इन चीज़ों से। उसी की वजह से ये फ्लैट खाली कर रही हूँ मैं क्योंकि रेंट नहीं निकलता। यार आजकल तो वो स्टैंड अप कॉमेडियंस तो बहुत मतलब पैसे कमा रहे हैं। दे ऑल आर मेकिंग वेरी गुड मनी। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ। I'm so sorry. मैं कॉमेडी नहीं लिखती, मैं कविता लिखती हूँ। I'm extremely sorry. Yeah. और तुम बताओ तुम क्या करती हो? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। I'm studying right now. Next week मेरे एग्जाम है तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं एग्जाम से पहले यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ बट इस वीक तो मैं भी फ्री हूँ तो इफ यू वॉन्ट आई कैन हेल्प यू इन पैकिंग ऑल्सो। हाँ तुम करवा सकती हो बिकॉज मेरे को भी चाहिए कोई। ये मैं ढूंढ भी रही थी किसी को, तुम्हें ही आना चाहिए, तुम ही मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हो। ठीक है तो कल से? हाँ स्कूल टुमारो 10। लेट्स डू दिस। ठीक है ओके। हाय हाय व्हाट्स अप? नथिंग। खा लो खाओ खाओ। नहीं नहीं हैव समथिंग। मैं ये फिनिश कर लूँ फिर हम करते हैं। क्या मतलब? ये मैं फिनिश कर लूँ फिर हाथ वाथ धो के। अच्छा अच्छा ओके करते हैं पाके। ओके ओके। तुम्हें क्या लगा? नहीं कुछ नहीं सॉरी। बताओ तुम्हें तो हंस क्यों रही हो? अरे ऐसे हंस रही हो, तुम जल्दी से खाओ यार फिर पैकिंग करनी है बहुत सारी। तुम क्यों हंस रही हो इतना? अरे नहीं हंस रही मैं। बता दो कुछ नहीं, तुम खाओ ना जल्दी यार फिर पैकिंग करते हैं जल्दी से, बहुत सारी पैकिंग करनी है अभी हमें, तुम जल्दी जल्दी खाओ। बस हो गया। शनाया ये लेस्बियन बुक क्या कर रहे हो तुम्हारे पास? ये मैंने ना ऐसे मंगवा ली थी, इसे मैंने मतलब पढ़ा भी नहीं है और मेरे 400 रुपये वेस्ट हो गए इसमें, छोड़ो इसे चलो। ये मैं रख लूँ क्या? तुमने तो पढ़ा नहीं है। तुम क्या करोगे इसका? ऐसे ही बस मेरा पढ़ी जा सकती है।
पर मुझे स्टोरी बताना मत भूलना. श्योर आई विल. ये आई थिंक फुल हो गया है, दूसरे में कर देते हैं. ठीक है. शनाया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो गया हमारा, पर अब हम दोबारा से साथ में हो गए हैं. हमने सोचा हम एक दूसरे को चांस देना चाहिए. तो तुम्हें लगता है कि चांस देना वर्थ इट है? चांस देना वर्थ इट पता नहीं, बट आई जस्ट वांट टू ट्राई. और इस फ्लैट के बाद मैं उसी के पास जा रही हूँ शिफ्ट होने. थैंक्स फॉर कमिंग यार. और प्लीज मेरे घर का ध्यान रखना यार. ओके आई विल. बहुत प्यार से रखा मैंने अपने इस घर को. मैं उससे भी ज़्यादा प्यार से रखूँगी. हाँ प्लीज. आई एम सो अटैच्ड टू माई होम, इसलिए आई वॉन्ट कि तुम भी प्यार से रखो इसको. ओके. अब तुम्हें सौंप रही हूँ मैं घर. पर मैं बहुत थक गई हूँ यार. मैं भी. कल प्लीज आ जाना यार पैकिंग के लिए. ओके आई विल कम. शनाया, तुम्हें उससे कब कैसे प्यार हुआ? हम बचपन से साथ में थे और हम सेम क्लास में थे, बट जब स्टार्टिंग में तो मेरी साइड से था, इट वाज वन साइडेड. देन धीरे 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 यू नो बेस्ट फ्रेंड्स से होते होते लवर्स बन गए. फिर लवर्स के बाद एक ऐसी स्टेज आई जब हम स्ट्रेंजर्स बन गए. बट देन आई रियलाइज्ड, आई टोल्ड यू ना, जब रियलाइज हुआ कि भाई यही इज द वन, तो तब तक थोड़ी देर हो गई थी. बट हाँ, इस बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हमारी लाइफ में, बट इज द वन फॉर मी. यू नो रात को वेट करती थी मैं उसका कि वो कब घर आएगा, मुझसे बात करेगा, और बहुत अच्छा लगता था वो. लाइक वेटिंग द बेस्ट टाइम, जब आप किसी का वेट करते हो एकदम से वो आपके पास आ जाता है वेटिंग के बाद. जल्दी आ जाना तुम प्लीज. ठीक है आई विल. बाकी के बच्चे भी पैकिंग भी कर लेंगे हम. हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ. बाय बाय.
शनाया दबा. You fucking scared me. Are you serious? Yes, I am. डरा दिया यार तुमने मुझे. Hello, what's up? I'm sorry यार, मैं लेट हो गई. बहुत ज्यादा ट्रैफिक था बाहर. I'm so sorry. और तुमने सब पैक कर लिया इतनी जल्दी. वैसे तुम उठती भी नहीं हो और तुमने आज सब पैक करके रखा हुआ है. तुम्हारी लैंडलॉर्ड है ना कुत्ते का भी नहीं. उसने मुझे अल्टीमेटम दिया कल का कि मुझे कल के घर खाली करना है. सच्ची? I'm feeling sad. You should be. अब तो मुझे भी उसको गाली देने का मन कर रहा है यार. क्यों भेज रही है इतनी जल्दी? अब भेज रहे हो तो कांट हेल्प इट नो. बट हाँ, प्लीज़ मेरे घर का ध्यान रखना. यस आई विल. मैंने बहुत बहुत प्यार से रखा अपने घर को 5 साल तक. बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ. इट विल हेल्प यू. बाकी मैं आती रहूँगी. आई थिंक ये गलत हो रहा है. क्या रहा? तुम सही बोल रहे हो. आई थिंक हमें पैकिंग करनी चाहिए बची हुई. पैकिंग छोड़ो. यू शुड लीव.